सब मिल लो बधायो गाती जाती थी नंद के घर बधाई है आ गई नंद भवन में। अब देखो पहले ग्वाले निकले थे, पहले ग्वाल चले ना, पर पहुंचा कौन पहले? गोपी। क्यों? नंदो सबके कीर्तन में आता है कि पिया पहले पहुंची जाय अति आनंद भरी, लई भीतर भवन बुलाय सब शिशु पाय परी। गोपी पहुंची, मैया ने भीतर बुलाया और जैसे ही पहुंची ना, जाते ही सीधे भगवान के चरणों में गिर पड़ी, भगवान का चरण स्पर्श किया। आप बोलो, आप किसी बालक के जन्मोत्सव में जाते हो तो उसका चरण स्पर्श करते हो? किंतु गोपी आके भगवान का चरण स्पर्श करती, क्योंकि गोपी ये जानती है कि ये बालक नहीं है, ये तो हमारा स्वामी है, हमारे लिए आया है, ये हमारा प्रियतम है और अपने स्वामी को वंदन जरूर करना चाहिए। जो लोग बोलते हैं ना कि इन गोपियों को, इन ब्रजवासियों को कोई ज्ञान नहीं था, जिस दिन जन्म हुआ उसी दिन ये लोग ये जानते थे कि ये भगवान है, ये यशोदा जी के यहां हमारे लिए आए, स्वामी का दर्शन करने आई है, तो सबसे पहले आके भगवान का चरण स्पर्श किया। लई भीतर भवन बुलाय सब शिशु पाय परी। चरण स्पर्श करने के बाद गोपियों ने भगवान को आशीर्वाद भी दिया। गोपी बोली, प्रभु आपका तमारू चरण स्पर्श इसलिए करियो क्योंकि आप हमारी स्वामी हो, किंतु आज आपने हमारे ऊपर कृपा की और हमारे ऊपर कृपा करके आप हमारे घर में बालक बन के आए हो, हमारे नंद बाबा के बालक हो, इसलिए हमारे भी बालक हो, इसलिए तुम्हें आशीर्वाद भी देती है कि चिर जियो नंद कुमार
पूर्ण काम करी।